हेलो जी, हेलो, नमस्कार। मैं रणवीर ब्रार और आप देख रहे हैं हमारा नया शो जिसका नाम है फ्लेवर्स ऑफ श्रेयन। और क्या है ना, श्रेयन यानी मिलेट्स। मिलेट्स की कहानी आजकल बहुत जोर से सुनाई दे रही है, लेकिन ये कहानी एक्चुअली बहुत पुरानी है। अभी आपने सोचा है कि आजकल हम क्या खाते हैं, मतलब चावल खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, उससे पहले लोग क्या खाते होंगे? मुझे खाते थे, मेरा मतलब मिलेट्स खाते थे। हाय, आई एम मिलेट राजा। देखिए, ये है मिलेट राजा, अपना इंट्रोडक्शन खुद दे चुके हैं। अगर मिलेट्स की बात हो रही है तो मिलेट्स को यानी श्रीयन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ हैं। एक्चुअली बड़े काम की चीज़ है, बिकॉज बीच बीच में आके ना ये अपने इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस करते रहेंगे, इनकी आदत डाल लीजिए साहब। देखिए, अगर मिलेट्स के इतिहास की बात करें तो मिलेट्स का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। 5500 से 8500 साल पहले मिलेट्स के अवशेष जो है वो अफ्रीका में पाए गए हैं। मिलेट्स जो है आज का डेफिनेटली नहीं है, पूरी दुनिया में मिलेट्स बहुत पुराना है। इंडिया के बारे में भी तो बताओ। बिल्कुल, इंडिया में मिलेट्स का इस्तेमाल वेदों के समय से है, यानी कि दिस ग्रेन इज एज मच एज आवर्स एज इट इज द वर्ल्ड्स। अब करते हैं मुद्दे की बात। इतिहास हम भले ही पुराना बताएंगे, लेकिन रेसिपीज वो बनाएंगे जो आज की हैं, रेलेवेंट है, जिनका टेस्ट एकदम फर्स्ट क्लास आज के हिसाब से। आज ये जो रेसिपी है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये रेसिपी मैंने एक बार कतर में बनाई थी 2000 लोगों के लिए। उनको यकीन नहीं आया था कि बगैर चावल के मिलेट के साथ भी ऐसा कुछ बन सकता है। अब इस रेसिपी में जो मिलेट इस्तेमाल हो रहा है वो मिलेट है ये है बार्नयार्ड मिलेट या झंगोरा। उससे पहले ही बता दूं कि बार्नयार्ड मिलेट या झंगोरे को मैंने अच्छे से पहले धोया है, ठीक है, उसके बाद उसको पानी में सोख करके रखा है 3 घंटे, उसके बाद वो पानी निकाल दिया है। अगर आप हस्क्ड बार्नयार्ड मिलेट यूज कर रहे हैं, यानी अगर आप वो बार्नयार्ड मिलेट यूज कर रहे हैं जिसका कि छिलका निकला हुआ है, तो आपको सोक करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ धोइए और चालू हो जाएगी, ठीक है। बिरयानी मसाले के लिए पहले मसाले निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए काली मिर्च, ये गई काली मिर्च, 2-4 लौंग डाल लीजिए, है ना, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इलायची के बगैर तो बिरयानी बनती नहीं, इलायची मुंह में ना आए बस। दालचीनी, लो जी, साथ में अगर आपके पास स्याह जीरा यानी शाही जीरा है तो वो, नहीं तो रेगुलर जीरा ले लीजिए, हम नाराज नहीं होंगे। इसमें डालिए थोड़ा नमक, और लीजिए एक पैन। और ये सामने तेज पत्ता मेरे को दिख गया, मैं 2 डाल देता हूँ। वैसे तेज पत्ते के साथ साथ आप चाहें तो दगड़ फूल, पत्थर का फूल भी डाल सकते हैं। अभी नमक क्यों डाला है, देखिए नमक इसलिए डाला है क्योंकि नमक जो है वो एक्सेस मॉइस्चर सोक कर लेता है, राइट, और वो एक्सेस मॉइस्चर आपके मसाले के फ्लेवर को लंबे समय तक मेंटेन रखता है। हल्का सा टोस्ट करना है, ठीक है, एंड हियर वी गो। अब इसको पीस लीजिए, कितना बारीक, बिल्कुल बारीक, ये जाएगा पिसने और काम हम शुरू करते हैं आगे का। तो ये है जी झींगा, झींगा और श्रिम्प, यहां हमारा बोल पड़ा हुआ है। सबसे पहले इसको कर लेते हैं मैरिनेट, ठीक है। अब झींगे का कॉम्बिनेशन झंगोरे के साथ क्यों, इसलिए नहीं कि दोनों का नाम जो है उसमें जो आता है, बल्कि इसलिए झंगोरा जो है वो एक स्वीट मिलेट है, उसमें एक नेचुरल मिठास होती है, राइट, और सी फूड की नेचुरल मिठास के साथ वो बड़ा अच्छा जाता है, द कॉम्बिनेशन रियली नाइस। मैरिनेट करने के लिए सॉल्ट डाल दिया मैंने, ये गई हल्दी, मिर्ची, नाम भर का लेकिन डालना जरूर है धनिया पाउडर, हल्का सा जीरा पाउडर,
जिंजर गार्लिक पेस्ट। हेलो जी, इतना बहुत है। वन पार्ट इज डन, अब दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये है मसाला। मसाला जो है वो बन के आ गया है, मसाले से आपको मिलवा देते हैं। ये देखिए, सी दिस फाइन पाउडर बोला था ना मैंने, नाइस। तो बेसिकली क्या है ना कि आम तौर पे हम जब बिरयानी की बात करते हैं तो लखनवी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी जहन में आती है, लेकिन लखनऊ में झींगा नहीं होता है, झींगा दक्षिण भारत में होता है। इसलिए इस बिरयानी के फ्लेवर्स जो हैं वो थोड़े सदर्न इंडिया हैं, थोड़े वेस्टर्न इंडिया हैं। मुद्दे की बात है, मज़ा आएगा। ऑयल, एक इलायची, एक लौंग, लौंग के चटकने का करते हैं इंतज़ार, और उसके बाद डालते हैं जीरा। हेलो जी, अब जीरे के चटकने का करते हैं इंतज़ार और डालते हैं प्याज। और अनियन को ज़्यादा सौते करके ब्राउन नहीं करना है। कभी भी बिरयानी बना रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि द डार्कर द मीट द डार्कर द अनियन। अगर आप मटन के साथ बना रहे हैं तो प्याज ज़्यादा ब्राउन होगा, चिकन के साथ बना रहे हैं और कम होगा, सी फूड के साथ बना रहे हैं और कम ब्राउन होगा। अनियन की भुनाई जो है वो प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करती है कि आप बिरयानी में प्रोटीन क्या डाल रहे हैं। ब्यूटीफुल, देखिए प्याज को बस हल्का सा स्वेट किया है ना, स्वेट हम लोग बोलते हैं, यानी कि हल्का सा प्याज ने पानी छोड़ा। इसके बाद डाला इसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, अब गया जी टमाटर। बिरयानी में टमाटर डाल रहा है रणवीर। मैंने पहले ही बोला लखनऊ वाले नाराज ना हो, लखनऊ में झींगा नहीं मिलता, झंगोरा मिलता है, लेकिन इसलिए झंगोरे की बिरयानी बनाइएगा। अब ये मसाले में डाला दही, लगभग आधा कप है जी। ब्यूटीफुल, ये डाल दी चॉप करी हुई हरी मिर्च। अब इंतजार ये करना है कि दही भुन जाए, यानी कि जब तेल ऊपर आ जाए, दही के भुनने से वो कच्चे दही की खुशबू जो है वो खत्म हो जाए, तब तक हमने इसको पकाना है और कुछ नहीं करना है। फैंटास्टिक, अब ये गया हमारा झींगा। यहाँ पर झींगे को पूरा नहीं पकाना है, बिकॉज अगर यहाँ पर झींगे को पूरा पका दिया, जब तक बिरयानी बनेगी झींगा जो है वो ओवर कुक हो जाएगा, और अगर झींगा ओवर कुक हो गया फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए झींगे को सिर्फ मसाले में टॉस किया। फैंटास्टिक, लेमन जूस, कोई भी सी फूड यूज़ करें, खटास बहुत ज़रूरी है बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर खटास दही से भी आ रही है, टमाटर से भी आ रही है, नींबू जूस से भी आ रही है। ठीक है जी, एक काम करते हैं, थोड़ा श्रिम्प निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। नहीं, घर नहीं लेके जा रहा हूं मैं, आप टेंशन मत लीजिए। ब्यूटीफुल, श्रिम्प हमने निकाल लिया, अब डाला इसके अंदर अपना झंगोरा। ठीक है ना, ये झंगोरा जैसे मैंने बताया सोक किया हुआ है कि और भी एक्सपेंड होगा। जब मैंने कतर में बनाया तो मैं इंडिया से लेके गया था, 2000 आदमी के लिए 60 किलो झंगोरा हमने पकाया था, और 60 किलो झंगोरा 2000 आदमी ने खुला खाया था। उसका कारण यह है कि जो मिलेट्स होते हैं वो पानी बहुत सोक करते हैं, पानी बहुत अब्जॉर्ब करते हैं, तो हमको लगता है कि कम पड़ेगा, लेकिन मिलेट्स कम नहीं पड़ता, इसीलिए उसे कहते हैं श्री अन्न, भगवान का अन्न है, कभी कम नहीं पड़ता। ये लीजिए,
थोड़ा झींगा ऊपर डाला ताकि फ्लेवर अंदर जाए, है ना। उसके ऊपर डाला फ्राइड अनियन, उसके ऊपर डाला थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीना, उसके ऊपर डाला अपना बिरयानी मसाला। वाह साहब क्या खुशबू आ रही है, भूलिएगा। हल्का सा पानी, झंगोरे को पकने के लिए पानी चाहिए ना। अब इसको लगाते हैं ढक्कन। अब यहाँ पे धीरे धीरे रेमना, मतलब गैस करिए धीरे और दम दीजिए, है ना। तब तक एक रायता दिखा देता हूँ, बड़ा मजे का है। उसके लिए लीजिए साहब एक पैन, ये बोनस रेसिपी है, बोनस। ऑलराइट, देखिए ये मिर्च है ना, ये अचार वाली मिर्च है। अचार वाली मिर्च को हमने बीज से 1/2 किया है। बीज निकाल लें, आपको बीज निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आप वैसे भी 1/2 कर लें तो भी चलेगा। इसको 4 होने देना, मतलब जलने देना है। इस रायते की मोनोपोली वही है साहब। वाह, और जैसे ही मिर्ची 4 हो जाए ना, से इंडक्शन से हटा के और डाल दें कसूरी मेथी। एक रख लेता हूं गार्निश के लिए, मोटा मोटा चॉप करना है। There you are. और इस भुनी हुई मिर्ची को डाल देना है दही में, साथ ही डालना है धनिया, थोड़ा फ्राई प्याज, नमक, थोड़ा पुदीना, एंड हियर वी गो, है ना। बिरयानी की रेसिपी के साथ में रायता फ्री। इसमें बेस्ट पार्ट पता है क्या है, वो मिर्च की स्मोकीनेस जो है ना, जो मिर्च भुनी है आपने, उसका जो जायका है वो इस रायते की मेन मुद्दे की बात है साहब। हमारी गार्निश वाली मिर्ची, थोड़ा सा फ्राई प्याज, बिल्कुल थोड़ी सी देगी मिर्च, मुझे लग रहा है कसूरी मेथी डाल देते हैं, बिकॉज हमने रिप्रेजेंट किया है उसको, तो अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो ये हो गया साहब आपका रायता, ठीक है। अब बारी आती है बिरयानी की। बिरयानी की जो है कहानी ऑलमोस्ट खत्म ही है, देखिए आए हाय हाय क्या बात, ब्यूटिफुल। तो कर लेते हैं थोड़ा मिक्स। अब इसमें डालते हैं घी, और वो बिरयानी बिरयानी क्या जिसमें केसर ना हो, है कि नहीं। ये लीजिए केसर, बस। लाइक आई सेड द मिक्सिंग इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप इंडक्शन पे कुक कर रहे हैं तो मिक्स कर लीजिएगा, वरना जो है साइड से झंगोरा रह जाएगा कच्चा, बीच से जाएगा पक, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, माध्यम के हिसाब से एडजस्टमेंट जरूरी है। अब बनी ना बात, वह ना लिफाफा देख के खत का मजमून भाप लेते हैं। वैसे खुशबू से समझ में आया था कि भैया मामला बहुत अच्छा बना है। ये देखिए, आपको लग रहा है कि रणवीर ने इतना सा झंगोरा लिया है, फर्स्ट क्लास हो गया एकदम। आजकल ना राइसलेस डिशेस का बड़ा फैशन है। देखिए घी का इस्तेमाल रणवीर जो है वो खुले दिल से तो वैसे भी करता है, यहाँ पे ज़्यादा इसलिए कर रहा है बिकॉज मिलेट्स जो हैं वो थोड़े से ड्राई होते हैं पैलेट पे, और उस ड्राइनेस को काउंटर एक्ट करने के लिए हम दूध का, घी का और दही का इस्तेमाल मिलेट की रेसिपीज का ज़्यादा करते हैं। तो इफ़ यू आर कुकिंग विद मिलेट्स, यू कैन बी मोर जेनरस विद घी फॉर श्योर।
अब गार्निश के लिए साहब मैंने कहा थोड़ा माहौल बना के गार्निश कर देते हैं। ये है हमारा पापड़, ये है हमारा प्रिय मित्र जिसे कहते हैं धनिया। Anishes here and there, थोड़े से अदरक के लच्छे, रेड चिली का स्प्रिंकल, और जरा हम अपने लिए भी निकाल लेते हैं साहब। नाइस। क्या खुशबू है, क्या प्रेजेंटेशन। वाह मजा आ गया, क्या खुशबू है। है कि नहीं भाई साहब। वाह। आप हमारी बातों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आप एक काम करिए, रिकैप देख लीजिए, क्या है कि फोन आ गया होगा, चैनल चेंज कर लिया होगा, या मतलब चाय वाय पे ध्यान चला हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए रेसिपी रिकैप देख लीजिए, उसके बाद हम आते हैं दूसरी रेसिपी के साथ। बार्नयार्ड मिलेट प्रॉन बिरयानी बनाने के लिए पहले बिरयानी मसाला बना लें। मसाला बनाने के लिए एक प्लेट में काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा और नमक डाल के भून लें और पीसकर इसका पाउडर बना लें। दूसरी ओर डिवेंड प्रॉन्स को मैरिनेट करने के लिए इसमें नमक, 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर मिला लें। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के उसमें इलायची, लौंग, जीरा, 1 कप कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और कटा हुआ टमाटर डाल के भून ले। अब इसमें 1/2 कप दही, बारीक कटी हुई मिर्च और मैरिनेट किया हुआ प्रॉन्स डाल के सॉटे कर ले। अब इसमें 1 छोटा कप नींबू का रस डाल के मिला ले और थोड़े से प्रॉन्स को निकाल कर अलग कर ले। इसमें 3 कप सोक्ड बार्नयार्ड मिलेट डाले, फिर इसमें अलग किए हुए प्रॉन्स को ऊपर से डाले और तला हुआ प्याज, धनिया, पुदीना, बिरयानी मसाला और हल्का सा पानी डाल के ढक दे। एक पैन में थोड़ा सा तेल, कुछ अचारी मिर्च और कसूरी मेथी डाल के भून ले। भुने हुए अचारी मिर्च को मोटा मोटा काट के दही में मिला ले। इसके ऊपर धनिया, तली हुई प्याज, नमक और थोड़ा सा पुदीना डालकर मिला ले। रायते को हांडी में डाले, अचारी मिर्च, फ्राइड प्याज और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल के गार्निश करें। बिरयानी पकने के बाद 2 बड़ा चम्मच घी और 2 छोटे चम्मच केसर का पानी डाल लें। अब एक प्लेट में अपनी बिरयानी डाल लें और ऊपर से 1 बड़ा चम्मच घी डालें। पापड़, धनिया, कुछ माइक्रो ग्रेन्स और अदरक डाल के इसे गर्मा गर्म परोसें। देखिए खाने की बात तो कर ही रहे हैं, साथ में थोड़ी ज्ञान की बात कर लेते हैं। क्या है ना, जब आप इंग्रेडिएंट से कनेक्ट होते हैं एक और लेवल पे, तो रिश्ता जो है थोड़ा गहरा और थोड़ा लंबा जाता है। ज्ञान की बात। आज बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो मात्रा है जो ये डिटरमिन करती है कि हमारे शरीर में इंग्रेडिएंट शुगर किस रेट पे छोड़ रहे हैं, और मिलेट्स जो हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंग्रेडिएंट, यानी कि अगर आप मिलेट्स खाते हैं तो आपके शरीर में शुगर लेवल्स एकदम से स्पाइक नहीं होते हैं, चाहे आप डायबिटिक हैं या नहीं है। कॉन्स्टेंट शुगर लेवल्स कॉन्स्टेंट एनर्जी देते हैं, हमारे शरीर को एक कंसिस्टेंट रिकवरी देते हैं, इम्यूनिटी देते हैं, इसलिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हमारे लिए अच्छे माने जाते हैं, इसलिए मिलेट्स आपकी जिंदगी का हिस्सा होने चाहिए। अब बारी है अगली रेसिपी, और अगली रेसिपी जो है वो मीठी। फिरनी के लिए जब हम ज्वार लेते हैं तो ज्वार को पहले हम रात भर भिगोते हैं, फिर उसका पानी निकाल के उसको हल्का सा ड्राई करके उसका पाउडर बनाते हैं। ये सिंपल ज्वार का आटा नहीं है,
सोकिंग जो है ना वो बहुत काम की चीज है, क्योंकि सोकिंग से किसी भी ग्रेन की न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो 12 टाइम्स यानी कि 1200% बढ़ जाती है, क्योंकि सोकिंग से जर्मिनेशन ट्रिगर होता है और जर्मिनेशन हमारी बॉडी को ये ट्रिगर देता है कि हम इसको ज्यादा अब्सॉर्ब करना चाहते हैं. सो इफ यू वॉन्ट योर बॉडी टू अब्सॉर्ब द फूड मोर, वेरी सिंपल, जर्मिनेट. ये रहा पैन. देखिए फिरनी जो शब्द है वो फेरने से आता है, इसलिए उसका नाम फिरनी पड़ गया, और फेरना जो है वो आपको भी पड़ेगा, है ना. पहले से हम वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे. एक बहुत बेसिक रेशियो है फिरनी में, वो है 5, 10 और 100. ठीक है, तो अगर आप 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो आप 50 ग्राम चावल का या ज्वार का आटा लेंगे, साथ में आप 100 ग्राम शक्कर लेंगे. कभी फेल नहीं होता ये फॉर्मूला. आई कॉल इट द रणवीर फॉर्मूला ऑफ फिरनी. तो जी सबसे पहले दूध. इलायची 1 और 2, या थोड़ा घी पड़ा हुआ है मेरा प्रिय मित्र. ये जो है चीट आप सबको बता दे रहा हूं मैं, हैक बोलते हैं आजकल इसको, हैक, कि अगर आप थोड़ा सा घी अपने दूध में डाल लेंगे तो दूध के नीचे लगने के चांसेस कम हो जाएंगे. तब तक कटिंग वटिंग कर लें. ये हमारे पास है साहब ऑरेंज और ये है अंजीर. पहले ऑरेंज के सेगमेंट्स निकाल लेते हैं. ये इसको किया 1/2, फिर इसको किया 1/4, फिर बीज के बीज निकाले. ये ऑरेंज के सेगमेंट्स निकाल के रख लीजिए. शक्कर बिल्कुल नहीं डालनी है शुरू में. शक्कर अगर आप शुरू में डाल देंगे तो शक्कर क्या है वो पकते हुए लाल हो जाती है. राइट. अंजीर जो है 1/2 भी कर सकते हैं, 1/4 भी कर सकते हैं. तो मिलेट बहुत फैशनेबल ग्रेन है जिससे बहुत फैशनेबल मॉडर्न रेसिपीज बन सकती हैं, इसलिए जो ये अंजीर का मुरब्बा एंड यू माइट कॉल इट अ फिग मार्मलेड जो है इसलिए भी मैंने डाली है, ताकि एक वो परसेप्शन ब्रेक हो दैट मिलेट इज ओल्ड फैशन एंड क्लासिकल. मिलेट इज एज मॉडर्न एज यू थिंक इट इज. ऑरेंज जूस, ये गया गुड़. दूध उबल गया है, फर्स्ट क्लास एकदम. देखिए बिल्कुल नहीं लगाया नीचे, क्यों? क्योंकि इसमें है घी की खूबसूरती. अब वक्त है ये हमारा भीगी हुई ज्वार का आटा डालने का. साथ साथ चलाते रहिए, लंप्स नहीं पड़ने चाहिए साहब. सारी करी कराई मेहनत जो है वो साइड में हो जाएगी. फिरनी का नाम इसीलिए है कि साहब फेरना पड़ता है इसको, तो फेरते रहिएगा बस. ये देखिए, अगर आपको चम्मच में दिखाऊं तो देखिए कैसे फर्स्ट क्लास गाढ़ा हो रहा है. ये यू आर, ये देखिए. दूसरी तरफ ये जो हमने गुड़ पकाया इसके अंदर अब संतरा डालने की बारी है. Here goes the orange. रब शक्कर. देखिए शक्कर डालते ही अपने आप, देख रहे हैं आप, पतली होगी ना फिरनी. Very nice. संतरे को हल्का सा नरम करना है, सॉफ्ट करना है. ये जो आप मुरब्बा बना रहे हैं संतरे का और अंजीर का, इसके अंदर हल्की सी कुटी काली मिर्च इज एन एक्सीलेंट आइडिया. वेरी नाइस. ये लीजिए सर, एक तरफ मुरब्बा एक तरफ फिरनी. लाइफ इज ब्यूटीफुल. अब क्योंकि हम ऑलरेडी ऑरेंज यूज कर रहे हैं इसलिए मैं यहां पर ऑरेंज की ये स्किन डाल रहा हूं. ये देखिए, इससे जो है एक ऑरेंज का फ्लेवर और बढ़ के आएगा अपनी फिरनी में. देखिए फिरनी को अगर क्लासिकली हमने सकोरे में सर्व नहीं किया तो फिरनी जो है वो नाराज हो जाएगी.
इसलिए इसको सकोरे में ही सर्व करते हैं साहब। नीचे डालते हैं थोड़ा गुड़, थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए ना नीचे। ये गया गुड़। ये देखिए, लुक एट दिस, गुड़, ऑरेंज और फिग, मैरिज मेड इन हेवन। हेलो जी, फिरनी फिरनी के ऊपर ऑरेंज, ऑरेंज के ऊपर अंजीर। अब कौन कहेगा कि ओल्ड फैशन्ड ग्रेन है ज्वार, हाँ, या मिलेट्स। मॉडर्न फैशनेबल डिजर्ट जो है वो बन के आपके सामने खड़ा हो गया, बिल्कुल आपके सामने, बगैर वक्त लिए हुए, बताइए है कि नहीं। देखिए, अगर चीज टेस्टी हो ना तो सुंदर दिखाने का मन करता है उसको। मिलेट जो है वो हाई फाइबर होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फिर इसमें हमने डाल दिया फिग। फिग जो है वो आयुर्वेद के अनुसार डाइजेशन के लिए रामबाण माना गया है। मतलब ओवरऑल इससे अच्छा और हेल्दी डिजर्ट हो नहीं सकता। इसीलिए आपने इसकी फिरनी बनाई है, हैं? समझदार है, हमने कहा था। चलिए एक काम करते हैं, हमारी बातें चलती रहेंगी, आप एक काम करिए, रिकैप देख लीजिए। रेसिपी सिंपल है लेकिन छूटना कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ज्वार फिरनी विद ऑरेंज एंड फिग मार्मलेड बनाने के लिए ज्वार को रात भर सोक करके उसका पाउडर बना लें। एक गहरे पैन में 1 लीटर दूध, 2 इलायची और घी डालकर उबलने के लिए रख दें। दूसरे पैन में 1/2 कप संतरे का रस और गुड़ डालकर पकाएं। उसके बाद संतरे को काटकर उसके बीज निकाल लें और अंजीर को 1/4 हिस्से में काटकर रख लें। दूध में 3 बड़े चम्मच ज्वार का पाउडर डालकर इसे लगातार फेंटें ताकि इसमें लंप्स ना पड़े। पके हुए गुड़ में संतरे और अंजीर डालें, दूध में 1/2 कप चीनी डालें और पकाएं। अब प्लेटिंग के लिए सकोरे में पहले गुड़ और दूध की फिरनी डालें, इसके ऊपर संतरे और अंजीर का डिजर्ट डाल के एडेबल फ्लावर के साथ सजा के परोसें। हमने अक्सर अपनी दादियों नानियों को कहते हुए सुना है कि अरे सर्दी हो गई है, थोड़ा अदरक शहद साथ में खा लो, या फिर तुम कमज़ोर हो रहे हो, हल्दी दूध पिया करो, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और हम ये सोचते हैं यार उन्हें कैसे पता, हा? उन्होंने कोई किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने आयुर्वेद नहीं पढ़ा, उन्हें कैसे पता। उन्हें पता इसलिए है बिकॉज हमारी हिस्ट्री में जो ये एक ओरल नॉलेज का ट्रेडिशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार सदियों पुराना। इतिहास सिर्फ बातों के जरिए आगे चलता रहता है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस इतिहास को टूटने ना दें और ये एक छोटी सी कोशिश है कि वो इतिहास की कड़ी, वो ओरल ट्रेडिशन, वो जो हमारा है, जो हमारे लिए अच्छा है, वो हमारा ही रहे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज शेफ रणवीर ब्रार साइनिंग ऑफ फॉर श्रीयान। अगले एपिसोड में कुछ मजे की रेसिपीज, कुछ मजे की बातें आने वाली हैं, जाइएगा नहीं। सी यू सून। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो किथे मुंडा, कड़ची दे दे भरावा, तू कड़ची वारी वारी ले जाना की गल करे, लेके जानी है। आई नीड अ रबर स्पैट हां फॉर द नेक्स्ट रेसिपी। हां, बड़ा सा आज माहौल बना के गार्निश कर देते हैं। ले फड़ा, टॉप वाले को मिल रहा है ना, आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं हुआ। लाइफ इज ब्यूटीफुल। हम आते हैं दूसरी रेसिपी के साथ।